व्हाट्सअप गाइस, दिस इज डेल रोज। आज हम बात करने वाले हैं बोस साउंड स्पोर्ट्स वायरलेस ईयरफोन के बारे में। दोस्तों, मैं मुझे एक साल हो गया इसको लिए हुए और मैं एक साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ में इसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मुझे कैसा लगा, क्या चीज़ें इसकी अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, क्या आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और बहुत सारे सवाल जो इसके बारे में काफ़ी लोग सर्च करते हैं गूगल पे, वो मैंने यहाँ पे चूज़ किया और मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ साउंड क्वालिटी कैसी है, बैटरी बैकअप कैसा है, कनेक्टिविटी कैसी है, और क्या ये वाटरप्रूफ है नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा सर्च किए जाते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें साउंड की, तो साउंड बहुत ही अच्छी है इसकी और एक प्रीमियम क्वालिटी के साथ में इसको बनाया गया है, तो आप इसको काफ़ी टाइम तक लगातार सुन सकते हो, आपके कानों में कोई दिक्कत नहीं होती, आप फुल वॉल्यूम तक में भी सुन सकते हो और आपको एक अलग ही टाइप की बेस फील होती है अपने कानों में, तो आप बिल्कुल ही इसको इंजॉय करने वाला, आप इसे कभी ऊब नहीं सकते अगर आप इसको यूज़ करना शुरू कर देते हो। तो दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बैटरी बैकअप का। तो दोस्तों, बैटरी बैकअप जो कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है 6 घंटे का, तो यहाँ पे मेरे लिए ये 6 घंटे नहीं चला कभी भी, क्योंकि मेरा यूजेज अलग है, मैं इसको हाई वॉल्यूम पे सुनता हूँ। स्पेशली मैंने इस प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ जिम के लिए लिया है, क्योंकि मुझे वायर वाले ईयरफोन जो कि ज़्यादा लंबी वायर वाले होते हैं वो पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने वायरलेस लिया। और अगर आप जिम में जाना चाहते हो तो आपको वायरलेस ईयरफोन ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते टाइम तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने इसको वायरलेस को लिया था। तो मैं जब भी इसको जिम में, इसको मोस्टली जिम में ही यूज़ करता हूँ एक हाई वॉल्यूम के साथ में, क्योंकि वहाँ पे आपको एक अच्छा पंप मिलता है एक म्यूजिक के द्वारा। तो मेरा मोस्टली फुल 100% चार्ज करने के बाद ये तकरीबन तकरीबन मैं 3 से 3.5 घंटे जिम में बिताता हूँ, तो ये बस घर वापस आते आते तकरीबन तकरीबन मुश्किल से 4-1 घंटे चलता है ये, वो मैं सिर्फ हाई वॉल्यूम पे सुनता हूँ। इसलिए अगर आप इसको मीडियम वॉल्यूम पे यूज़ करोगे तो ये आपको 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप, 6 सवा 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको ये दे सकता है। इसको चार्ज होने में कम से कम आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है चार्ज, फुल चार्ज होने में, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे हम करने वाले हैं कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी की अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं, हम इस सबसे पहली बात तो इसको हम एक साथ 3 डिवाइस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इसको लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर लिया, आपने फ़ोन के साथ भी कनेक्ट कर लिया, और आपके पास टैबलेट है उसके साथ भी कनेक्ट कर लिया। आप तीनों के साथ कनेक्ट करके आप इंटरचेंज करते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बार म्यूजिक चला लिया अपने फ़ोन में, तो थोड़ी देर बाद आपने बंद करके अपने लैपटॉप में चला लिया, तो वो आपके लैपटॉप से आपको जो भी चल रहा है वो आपको सुनाई देने लगेगा। तो इसलिए आप एक साथ 3 डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात, कनेक्टिविटी का मतलब कितना एरिया कवर करता है। कनेक्टिविटी मुश्किल से होगी 30 से 40 फीट के अंदर अंदर में आप इसका कनेक्टिविटी का एरिया है। अगर उससे ज़्यादा आप जाते हो तो आपको यहाँ पे आवाज़ नहीं, ये डिसकनेक्ट हो जाता है। 30 30 फीट है, 30 फीट मैंने इसको फील किया है, 30 फीट तक आपको यहाँ पे ये कनेक्टिविटी एरिया कवर करता है। यहाँ पे एक बात और आती है, क्या ये वाटर प्रूफ है नहीं है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है। अगर आप पसीने वसीने आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप हल्का सा कोई बारिश वारिश में भी, अगर आप हल्की सी बारिश में भी जाते हो तो कोई यहाँ पर दिक्कत होने वाली नहीं है, बिल्कुल ये काम करेगा। हाँ, वाटर प्रूफ नहीं है। अब यहाँ पे और कुछ एक सवाल है, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हाँ, क्या मैंने एक साल में इसको सर्विस सेंटर पे कितनी बार लेके गया। दोस्तों, यहाँ पे सर्विस सेंटर में मैं एक बार भी इसको लेके नहीं गया हूँ, क्योंकि बिल्कुल अच्छा चल रहा है और मुझे यहाँ पे एक साल में कोई भी दिक्कत नहीं आई। जैसे आवाज़ पहले स्टार्टिंग में थी वैसे ही अभी है, जैसे ही बैटरी बैकअप स्टार्टिंग में था वैसे ही अभी चल रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टिविटी सब कुछ सेम ही, जो चीज़ मुझे स्टार्टिंग में एक साल पहले ली थी अभी भी एक साल बाद भी वैसा ही चल रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिक्कत आती वो ये है कि जो इसका पिन है ये काफ़ी बार टूट चुका है मेरे पास, कम से कम 4 से 5 बार मेरे पास से टूट गया, तो ये थोड़ा सा स्ट्रोंग नहीं है और ये निकल भी जाता है। अगर आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हो तो ये क्लिप और इससे वायर से अलग हो जाती है, तो ये थोड़ी सी मुझे डिसपॉइंट करती है, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। और क्या मैं आपको थोड़ा सा और एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कोई लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आप 7-8 हज़ार रुपये तक लगाते हो कोई ईयरफोन लेने का, तो आप बोस का ले लो, 13 हज़ार रुपये का ये मिल जाएगा आपको, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी की चीज़, आप इसको बिल्कुल पसंद करने वाले हो, क्योंकि इस प्राइस में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अगर आप
एप्पल एयरपोर्ट की बात करो तो वो भी इतने अच्छे नहीं हैं अगर बोस के कंपेयर में किया जाए, क्योंकि मैंने वो भी यूज़ किए हैं। और इसके साथ ही मैंने एक चीज़ और यूज़ किया था, पावर बीट्स 3, जो कि एप्पल का ही एक सब ब्रांड है, वो भी इतना अच्छा नहीं है। उसका भी मैंने एक पहला वीडियो बनाया था। तो इन दोनों में मुझे बोस अच्छा लगा, बोस साउंड स्पोर्ट्स वायरलेस। ठीक है, एक दूसरी बात, बोस साउंड स्पोर्ट्स वायरलेस और एक इनका ईयरबड आता है 19,000 रुपये का, क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोस्तों थोड़ा सा जो वो बड्स है उसमें हल्का सा इनको उनको आवाज़ का थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया, बाकी कोई खास फर्क नहीं है। अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो आपको वायरलेस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सम टाइम जैसे फॉर एग्जांपल हमने गले के ऊपर ये डाला हुआ है और हम किसी से बात करने वाले हैं तो हमें क्या करेगा, ये जो ईयरबड्स हैं उनको हमें दोनों को कान से निकालना पड़ेगा, जबकि इसको क्या कर सकते हैं हम, ऐसे इसको हम ऐसे निकाल के इसको हम अपने कानों से निकाल देते हैं तो ये अपने गले पे लटका हुआ रह जाएगा, जबकि उसको हमें निकाल के अपने उसमें पॉकेट में रखना पड़ेगा। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, आप फॉर एग्जांपल आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और तो इस टाइप से ये चीज़ें बहुत मुझे वायरलेस अच्छा लगा। और तो बस यही बातें थी, तो यही मैं सब आपको बताना चाहता था। ठीक है दोस्तों, और इसका जो ये मिलता है, जो क्लिप मिलती है, उसका ओरिजिनल प्राइस अभी है 128 रुपीज़, आप ले सकते हो इसके बोस के स्टोर में जाके। बस यही मेरा एक्सपीरियंस था। अगर आपको अभी सवाल सुझाव हो कैसा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आप जिम के लिए लेना चाहते हो इसको तो मैं कहूँगा बिल्कुल आप इसको ही लो, आप एप्पल एयरपोर्ट को भी ना लो और ना ही आप पावर बीट्स को लो, और भी कुछ है लेकिन सबसे बेस्ट है बोस का, मैं सही में बता रहा हूँ आपको, आप इसको याद ही रखोगे अगर आपने ले लिया तो। थैंक यू दोस्तों, कोई और सवाल सुझाव एक बार मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।